अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उपटन के बारे में। उपटन हम सब जानते हैं बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन पर अप्लाई करना चाहिए और ब्राइडल सीजन है, हम सब चाहते हैं और घर वाले भी और ब्राइड्स भी एक ही स्किन ग्लो करे, शाइनिंग करे, मॉइस्चराइज नज़र आए, हमारी स्किन बहुत परफेक्ट और हेल्दी नज़र आए। इसके लिए हमें खुराक तो हमें अच्छी लेनी है, हमें अच्छा इनटेक करेंगे तो ही हमारी स्किन अच्छी होगी। पर लेकिन कुछ लोग उपटन पसंद नहीं करते और कुछ लोग उपटन अपने आप पर लगाना नहीं चाहते, तो जी उसके लिए भी आज हम बहुत आसान सा हल लेकर आए। हमने आमंड ऑयल लेना है, आमंड ऑयल को अपने स्किप नहीं करना, आपने यही लेना है। अगर आपको आमंड ऑयल से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, वरना आमंड ऑयल इज़ द बेस्ट। आमंड ऑयल का आपने लेना है हाफ कप आमंड ऑयल लेना है। आमंड ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, शाइनिंग देगा, हमारी स्किन के इंटरनली तौर पे हमारी स्किन को ग्लो देगा, हमारी स्किन को नरिशमेंट देगा। अच्छा, कौन सी कंपनी का आमंड ऑयल, किसी भी ब्रांड का जो भी आपको ईजीली अवेलेबल हो, या फिर मतलब आपको अच्छा ओरिजिनल मिल जाए। और सेकंड नंबर पे हमने लेना है इसके अंदर ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल हमें कितना ऐड करना है, ऑरेंज ऑयल हमने इसमें लेना है 1 टेबल स्पून। और ऑरेंज ऑयल हमारी स्किन को ब्राइटनिंग करेगा और ऑरेंज ऑयल से हमारा ये सीरम ऑटोमेटिकली येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज सा शेड देगा, जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग प्रोवाइड करने का काम करेगा। लेमन रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है और लेमन ऑयल हमने इसमें ऐड करना है ताकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। और उपटन हम सीरम बना रहे हैं, उपटन सीरम के लिए मस्ट है हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है, बट हल्दी घर की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बसारी साबुत हल्दी लें। बाजार वाला पीस देता है, अच्छी बात है, वरना आप घर लाके खुद ग्राइंडर में पीस लें, इतना लंबा चौड़ा मुश्किल काम ये है नहीं। आपने इन सारे ऑयल्स के अंदर यानी कि हाफ कप वो और 1 टेबल स्पून ये दोनों ऑयल्स में आपने मिक्स करनी है इसमें हल्दी, और इसको मिक्स करके रख देंगे 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद आपने ऊपर से अच्छी तरह इसको छान लेना है और नीचे वाला आपने जो मैं हल्दी बच गई उसे आप माइनस कर देंगे। ये आपका येलो गोल्ड सीरम रेडी हो चुका है। अब इस उपटन सीरम को आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने अपनी फुल बॉडी पर अप्लाई करना है, आप अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके अप्लाई करें, अपने लोशन में मिक्स करके अप्लाई करें, आप डायरेक्टली फेस पर अप्लाई करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं, डेली यूज़ करें, स्किन ब्राइटनिंग करेगा, शाइनिंग करेगा और हमारी स्किन में बहुत प्यारा सा ग्लो पैदा करेगा। हम देखते ही मतलब बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और बहुत ही क्विक सी ये रेमेडी है, सब अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस वाले, कॉलेज वाले, और ऐसा कोई नहीं है सिर्फ ब्राइड्स ही यूज़ करेंगे, घर में हर बंदा यूज़ करे। विंटर्स हैं, सब घर वाले मिलके इसे यूज़ करें और विंटर्स में अपनी स्किन को ग्लोइंग ग्लोइंग सा बना लें। ओके जी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं यार, और जो लोग लाइक कर देते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय तो कर दिया, पर मुझे बात याद आई कि मैंने ये ऑयल बनाने का क्यों सोचा, आखिर अब बना ही देना चाहिए। मैंने मैसेज कल एक पढ़ा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और मेहंदी बारात वलीमा, आने वाले कुछ महीनों का मेन्यू।